बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। शहनाज गिल बिग बॉस के घर की एक ऐसी एंटरटेनर है जो कि जिनका हर जगह नाम है कि वो सच में एक एंटरटेनिंग फैक्टर है घर का और घर के हर एक सदस्य इस बात को मानते भी हैं और शो की जो टीआरपी है जो पॉपुलैरिटी है उसका श्रेय शहनाज गिल को ही दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि शहनाज गिल से सवाल कर ही लिया गया कि आप एंटरटेनिंग से ज्यादा इरिटेटिंग लगती हैं। जी हाँ, दरअसल एक रिपोर्टर ने शहनाज से सवाल किया कि आप जब आई थी तो आप यहाँ पर कह रही थी कि आप यहाँ पर बस एंटरटेन करने आई हैं और एक लंबे वक्त तक आपने एंटरटेन भी किया लेकिन इवेंचुअली आप इरिटेटिंग हो गई। किसी से ये कहना कि अगर आप मुझे आई लव यू नहीं बोलेंगे तो मैं अपने आप को थप्पड़ मारूंगी और उस चीज को लेकर सॉरी भी ना बोलना, फील भी नहीं करना, तो आप अपनी एक गलत इमेज पोर्ट्रे कर रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसका जवाब देते हुए शहनाज ने कहा कि हम यहाँ पर इस घर में रहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर टाइम पे खुश रहें, जरूरी नहीं है कि हम हर टाइम पर पब्लिक को खुश रखें। लोगों को जो कुछ भी मेरे बारे में देखने के लिए मिला है वो मेरी असल पर्सनैलिटी है, मैं असल में ऐसी ही हूँ। शहनाज ने कहा कि एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, लेकिन अब मैंने उन चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया है और मैं अभी भी उस पर वर्क कर रही हूँ। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।